गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, सो टुडे वी स्टार्ट अवर सेवेंथ चैप्टर. हम हिंदी ग्रामर में से, व्याकरण मेदिनी बुक में से हम सिक्स चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ हम सेवेंथ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो सेवेंथ चैप्टर है, चैप्टर का नेम है लिंग, जेंडर. ओके, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और समझिए. यहाँ पे जो चित्र दिए हुए हैं उनको हमको देखना है और पढ़ना है और समझना है. तो लिंग जो होता है क्या होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, ठीक है. तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है इनमें, लिंग में, ठीक है. दो लिंग होते हैं, कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. तो लड़का पढ़ रहा, क्योंकि ये लड़का है तो ये काय में आएगा, पुरुष जाति में, पुल्लिंग में, ठीक है ना. तो इसलिए हम बोलेंगे लड़का पढ़ रहा है. अब यहाँ पे लड़की पढ़ रही है, जब लड़कियों में लड़की की बात आती है, स्त्रीलिंग की बात आती है, तब हम पढ़ रही है लिखेंगे, क्योंकि लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, ठीक है. बैल चर रहा है, गाय चर रही है. तो ये सभी में इस्तेमाल होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. हम इंसानों में पुरुष जाति और स्त्री जाति बोलते हैं, ये पुरुष जाति का है, ये स्त्री जाति का है. और जितने भी पुरुष जाति के जो होंगे हम उनको ऐसे ही बोलेंगे, रहा है, रही है, रहा है, ठीक है. और जितनी भी मादा जाति जो है, नर जाति की जो है लिंग है, उसको हम रही है ऐसे ही करके पढ़ेंगे, ठीक है. अब जानवरों में भी होता है यही, तो पुरुष, सॉरी, जानवरों में होता है नर और मादा, ठीक है. तो बैल जो है वो क्या है? नर. बैल चर रहा है, गाय चर रही है. गाय मादा है तो चर रही है, बैल नर है तो बैल चर रहा है, ठीक है. ऊपर के उदाहरणों में लड़का पुरुष जाति का बोध कराता है, लड़की स्त्री जाति का, बैल पुरुष नर है और गाय स्त्री यानी मादा है, ठीक है. ये मैंने आपको समझा दिया अभी. प्राणियों में कुछ पुरुष नर जाति के होते हैं, कुछ स्त्री मादा जाति की. प्राणियों में जो है, जो पुरुष होते हैं वो नर जाति में आते हैं और स्त्री जाति के लोग मादा जाति में आते हैं. नर जाति के शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और मादा जाति के शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ठीक है. जो नर जाति के होते हैं उनको हम बोलते हैं पुल्लिंग, ठीक है. और जो मादा जाति के होते हैं उनको हम बोलते हैं स्त्रीलिंग. स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लिंग जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है. तो पुल्लिंग किस से होता है? नर जाति. नर जाति के शब्द जो होते हैं उन्हें हम पुल्लिंग बोलेंगे और मादा जाति के जो शब्द होते हैं उनको हम स्त्रीलिंग बोलेंगे. इन्हें भी समझिए. टोप छोटा है, ठीक है, टोपी छोटी है. अब वस्तुओं में भी इसी तरीके से हमको हम बोलते हैं, ठीक है. टोप छोटा है, टोपी छोटी है. घड़ा रखा है, सुराही रखी है, ठीक है. तो ये भी जो है नर मादा के वर्ग में आते हैं, ठीक है. हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में निर्जीव वस्तुओं को भी नर अथवा मादा वर्ग में रखा जाता है. इन्हें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनके भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है. हमने अब बताया ना अभी कि वस्तुएं भी जो होती हैं उनको भी हम नर और मादा वर्ग में रखते हैं और ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं. टोपा छोटा है, टोपी, घड़ा, सुराही, तो ये हो गए पुल्लिंग और ये हो गए स्त्रीलिंग, ठीक है. इसी तरीके से अब ये सब आपको पढ़ना है अपने आप, ठीक है, और इनको समझना है. पढ़िए और समझिए. बड़ा कटोरा, बड़ी कटोरी, ठीक है. वो आपको पढ़ने से और बोलने से और लिखने से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग.
ठीक है, नार है कौन सा मादा, ये आपको इसमें से समझ में आ जाएगा। बड़ा कटोरा बड़ी कटोरी, और ज्यादातर स्त्रीलिंग में ई की मात्रा लगती है। ठीक है, ऊंचा पहाड़ ऊंची पहाड़ी, बड़ा ताला बड़ी ताली, बहता झरना बहती नदी, बहता नाला बहती नाली। इस तरीके से आप सब कम से कम 5-5 टाइम्स इसको रीड करेंगे। ओके, देन निजी वस्तुओं में लिंग विशेषण अथवा क्रिया से भी पहचाना जाता है। निर्जीव वस्तुओं को हम जो है लिंग विशेषण अथवा क्रिया से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग रूप याद कीजिए। अब यहाँ पे जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द दिए हैं, प्राणीवाचक प्राणी पुल्लिंग है ये सारे, और ये स्त्रीलिंग है, ये सारे आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, जैसे पुल्लिंग कौन कौन से हो गए, दादा नाना पिता चाचा मामा, ये सब नर जाति के हैं ना, इसीलिए ये सब पुल्लिंग है, और ये सब स्त्रीलिंग है क्योंकि दादी नानी माता चाची ये सब कौन सी उसकी आ गई, मादा जाति की। ठीक है, इसलिए ये सब स्त्रीलिंग जाति की हैं, और इन सब में ज़्यादातर ई की मात्रा छोटी बड़ी की मात्रा लगती है। ठीक है, स्त्रीलिंग में ये सभी जगह आप देखेंगे तो मात्राएं इनमें ई की लगेगी। और ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद पूरा ये याद करेंगे अच्छे से। निर्जीव वस्तुएं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, अब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आती हैं। ठीक है, तो पुल्लिंग में जैसे ये सब आएंगे, चांद सूरज आकाश फल फूल रास्ता दरवाजा, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव चीज़ें। तो चांद चांदनी सूरज का, धूप आकाश का, धरती फल का फली, फूल का कली, इधर रास्ता का पहाड़ी, ये सब अलग अलग हैं। तो इस तरीके से आपको इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इनके जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको भी आपको याद करना है। ठीक है, ई की मात्रा लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाने वाले शब्द। अब देखो, हमने पहले बताया था ना कि ई की मात्रा लगती है हमेशा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय, और स्त्रीलिंग में सब में ई की मात्रा लगती है, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको। तो मीठा, तो मीठी, देखो यहाँ पे ई की मात्रा लग गई ना, बड़ी ई की मात्रा। ऊंचा ऊंची, छोटा छोटी, मोटा मोटी, बड़ा बड़ी, तो इस तरीके से सब में स्त्रीलिंग में ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, अब जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं वो कभी भी स्त्रीलिंग में बदलते नहीं हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे शब्द होते हैं, तो कुछ इनमें दिए हैं जैसे दिन। ठीक है, ये जो है पुल्लिंग में ही रहेंगे, दिन है तो दिन का कभी भी स्त्रीलिंग नहीं बन सकता, दिन ही बोलेंगे हम उसे। महीने देश प्रदेश पर्वत सागर ग्रहों के नाम, ये सब हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे, ये स्त्रीलिंग में चेंज कभी भी नहीं होंगे। इसके बाद है सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, अब यहाँ पे जो ये शब्द दिए हैं ये सब स्त्रीलिंग में है, इनको हम कभी भी पुल्लिंग में चेंज नहीं कर सकते। नदी नहर तिथि ऋतु भाषा बोलियों के नाम, तो ये सब जो है हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। ठीक है, ये पुल्लिंग में बदलते नहीं हैं, मक्खी बतख चील मकड़ी तितली आदि, स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर शब्द लिख लिया जाता है। ठीक है, अब जब ये जो एनिमल्स हैं ये पक्षी हैं इन सब के आगे जो है हमको इनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए या पुल्लिंग में बदलने के बताने के लिए सिर्फ कि जैसे हमने मक्खी लिखा, अब जैसे किसी को नहीं है ये कि स्त्रीलिंग नर मक्खी है या मादा मक्खी है, तो इसमें हम इनके आगे अगर नर मक्खी है तो हम नर मक्खी लिख देंगे और मादा है तो मादा मक्खी लिख देंगे। ठीक है, तो नर मक्खी नर चील जितने भी हैं तो हम इनको नर लगाकर इनके आगे, तोता उल्लू इन सब के आगे हम नर लगाकर लिख सकते हैं। और पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके नाम से पहले हम मादा लिखते हैं, जैसे मादा उल्लू मादा तोता आदि। ठीक है, तो क्योंकि जो जानवर पक्षी होते हैं
उनमें भी मादा और नर दोनों ही होते हैं ना, ठीक है ना। हमने तोता लिख दिया तो हमें नहीं मालूम अब ये मादा है या नर है, तो हम उसको बताने के लिए हमको ये लिखना पड़ेगा कि ये तोता नर तोता है और ये तोता मादा तोता है, इस तरीके से लिखेंगे हम उनको, ठीक है। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि तोता है तो तोता जो है नर में आ गया और हम उसको तोती बोल दें, तो ऐसा तो हम नहीं लिख सकते ना, ऐसा नहीं है, होगा ही नहीं है, इसलिए इनके आगे हम नर व मादा लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, आप इनको कम से कम दो बार ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और ये जो है नर स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सारे जो हैं आपको अच्छे से लर्न करना है, ओके। अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे, का क्वेश्चन है सही विकल्प के आगे सही लगाइए, ठीक है। फर्स्ट है, व्याकरण में लिंग से शब्द के किस रूप का बोध होता है, ठीक है। तो इसमें जो आएगा नर मादा का, यहाँ पे आप लोगों को टिक लगाना है, ठीक है। पुल्लिंग से बोध होता है, पुल्लिंग से कौन से उसका बोध होता है हमें, नर जाति का, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसमें टिक लगाएंगे। थ्री, स्त्रीलिंग से बोध होता है, स्त्रीलिंग से क्या बोध होगा, स्त्री का, स्त्री जाति का होगा हमको, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे करेक्ट आंसर पर। निर्जीव वस्तुओं को भी रखा जाता है, निर्जीव वस्तुओं को हम गाय में रख रखते हैं नर व मादा वर्ग में, दोनों को रख दोनों वर्ग में हम इसे रखते हैं ना। फिफ्थ है, नदी शब्द है, अब नदी शब्द हमने पहले पढ़ा था काय में आएगा, नदी शब्द आएगा सदा स्त्रीलिंग रहने वाला, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी पुल्लिंग में बदलता नहीं है, तो इसका आंसर होगा सदा स्त्रीलिंग रहने वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ख, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए, बैल स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये आप कर सकते हो वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आपको आंसर, बहुत ईजी है। बैल स्त्रीलिंग शब्द है, नहीं। उल्लू पुल्लिंग शब्द है, नहीं। मच्छर का स्त्रीलिंग मच्छरदानी है, नहीं। मक्खी का पुल्लिंग नर मक्खी है, सही। ताला पुल्लिंग शब्द है, सही, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सही गलत लगा लेंगे। गा नंबर है, स्थूल शब्द को के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। अब इनको क्या है जो हमें ये डार्क डार्क से दिए ना, गाय भाई मुर्गी, ये जो डार्क काले रेड ब्लैक कलर के हैं, इनको हम इनके हमको लिंग बदलकर यहाँ पर लिखना है। तो वह मेरी गाय है, अब गाय का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैल। ये पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग इसका क्या होगा, सॉरी ये गाय स्त्रीलिंग है, अब इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बैल। तो हम यह लिखेंगे वह मेरा बैल है, तो ये पूरा ही बदल जाएगा, वह अकेला रहेगा, मेरी की जगह मेरा आ जाएगा, गाय की जगह बैल आ जाएगा और है, ठीक है। तो वह मेरी गाय है, वह मेरा बैल है, इस तरीके से आप ये भी अपने आप करेंगे, बहुत ईजी है। मंजुला का भाई गा रहा है, मंजुला की बहन गा रही है, क्योंकि भाई है और यहाँ बहन है, बहन जो है गा रही है आ जाएगा, तो पीछे से इसकी ये क्रियाएं भी बदल जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये आप लोग खुद करेंगे। आप रिक्त स्थान की भरिए, दादी का पुल्लिंग, ये भी आप लोग अपने आप करेंगे, बहुत ईजी है। दादी का पुल्लिंग क्या है वो आप यहाँ लिखेंगे, राजा का स्त्रीलिंग, मलिन का पुल्लिंग, मालिन का सॉरी नाला का स्त्रीलिंग, शिष्य का पुल्लिंग, ठीक है। ये आपको ये ऑप्शंस भी दिए हैं, इनमें से आप फाइंड आउट करेंगे और करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन आंसर्स जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी और आप अपनी फेयर कॉपी में इसको लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये जो है ओरली क्वेश्चंस है, ये सब आप लोग अपनी बुक में ही नी के सामने आंसर लिख लेंगे। लिंग के भेद कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग किसका बोध करता है, नर जाति का। स्त्रीलिंग में किसका बोध होता है, मादा जाति का, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शनल क्वेश्चन है ये ओरली, तो ये भी हम एग्ज़ाम में मगर दे सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से इनको भी आंसर्स लिख लेना और लर्न करना है। इसके बाद ये एक पहेली दी हुई है, ठीक है। इस पहेली में आपको जो है शब्द ढूंढने, कुछ शब्द दिए हुए, संज्ञाओं के नाम दिए हुए हैं, उनको आपको यहाँ पे इसमें से खोजकर यहाँ पर लिखना है और उसके बाद उनका आपको लिंग भी लिखना है। जैसे फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया था जादूगर, तो जादूगर काय में आएगा, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग,
पुल्लिंग में, तो यहाँ पे हमने पुल्लिंग लिखा। ऐसे आप इनमें से सारे संज्ञाओं के जो नाम है उनको ढूंढेंगे या लिखेंगे और उनके सामने उनका आप लिंग लिखेंगे कि कौन से लिंग में आता है। ठीक है, गा सदा पुल्लिंग रहने वाले तीन शब्द लिखिए। अब ये आगे भी दिए हैं और आप मन से भी लिख सकते हैं, सदा जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं उनके आपको यहाँ पे लिखना है, दिन महीने देश। और सदा स्त्रीलिंग रहने वाले तीन शब्द, नदी तिथि ऋतु। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर हम आपको बाद में करवाएंगे। अब आप जो है पीछे लास्ट चैप्टर्स पे आ जाएंगे, इसमें से आपको क्या करना है, ये है जो कहानी लेखन। ठीक है, तो इसमें जो आपको ये कहानियाँ दी हुई हैं जैसे चतुर लोमड़ी है, हाथी और दर्जी है, ठीक है, ये समझदार मेंढक है, प्यासा कौआ है, तो ये जो है आपको इनमें से एक कहानी जो है इसको लर्न करनी है और अपनी कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, तो आप जो है चतुर लोमड़ी ये वाली जो कहानी इसको आप पढ़ेंगे घर पे और इसको लर्न भी करेंगे और इसका जो है मोरल भी आप याद करेंगे, यानी शिक्षा हमें इस कहानी से क्या मिलती है वो भी आप याद करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहानी लेखन के बारे में बताया है कि कहानी के हमें कैसे लिखते हैं, उनमें कौन कौन से पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं। इस तरीके से हमने अपने बुज़ुर्गों से कहानी सुनते हम अपने बुज़ुर्गों से कहानी सुनते हैं, कहानियाँ सुनना सबको अच्छा लगता है, हम सब कहानियों की पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ते हैं, हम रेडियो पर कहानियाँ सुनते हैं, हम दूरदर्शन पर कहानियों का आनंद लेते हैं। ठीक है, हम कहानियाँ कितनी जगह सुनते हैं, देखो पुस्तकों में, पत्रिकाओं में, रेडियो पर, टीवी पे, मोबाइल्स में, सब जगह। कहानी में मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों आदि के द्वारा सूझबूझ किए गए कार्यों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो जो भी कुछ होता है उसमें कहानी में मेन मनुष्यों, पशु पक्षियों, उनके बारे में सूझबूझ द्वारा उनके जो कार्य किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आप भी बहुत सी कहानियाँ पढ़िए, चुपचाप भी और बोलकर भी। कहानी पढ़कर व सुनकर स्वयं भी आनंद लीजिए और दूसरों को भी आनंदित कीजिए। कहानियाँ हमको पढ़नी चाहिए, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है और दूसरों को भी सुनानी चाहिए। कहानी पढ़कर और सुनकर सोचिए कि उसमें क्या थोड़ा बहुत बदल देने पर कहानी और अच्छी हो सकती है। अब आपने कहानी पढ़ी, आपको लगे कि इसमें यार थोड़ा सा ऐसा होता, चेंज कर सकते थे हम तो और अच्छा लगता, तो ये जो है आप और उससे कहानी अच्छी हो सकती थी, ये आप सोच सकते। सोचिए, अपने मन में चरित्र घटना एकत्र कीजिए, अपने मन में कहानी लिखिए। कभी कभी नाम, स्थान, घटना आदि बदल देने से कहानी में नयापन लाया जा सकता है। ठीक है, तो जो है कहानी लिखने के बहुत साधन हैं। कहानी रामायण से हो सकती है, पशु पक्षियों पर हो सकती है। कहानी लिखने के कई कारण हो सकते हैं, कई चीज़ें मिल जाती हैं हमको किसी भी एक चीज़ पर कहानी लिखने के लिए। ठीक है, कहानी नीति संबंधी हो सकती है, कहानी शिक्षा प्रद हो सकती है, कहानी नीति संबंधी भी हो सकती है, ज़्यादातर शिक्षा प्रद ही होती हैं कहानियाँ कि हमें उस कहानी से क्या शिक्षा मिली। ठीक है, कहानी के अंत में उससे प्राप्त होने वाली शिक्षा अवश्य लिखें। और जब हम कहानी लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमेशा हमको उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली ये लिखना भी चाहिए। और जब कहानी हम पढ़ते हैं तो उसकी शिक्षा हमको पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस जो कहानी है चतुर लोमड़ी, इस कहानी को आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे भी और इसको अच्छे से पढ़ेंगे और लर्न भी करेंगे और इसकी शिक्षा भी याद करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ये जो है कहानी इसी तरीके, बस एक ही कहानी आपको इसमें पढ़ना है। ओके, सो ये जो है आज हमने करवाया वो आपको पूरा वर्क कंप्लीट करना है अपनी बुक में भी और कॉपीज में। ओके, और जो 7 चैप्टर अभी हमने करवाया था उसके आपको पूरा जो पीछे का जो एक्सरसाइज है वो पूरी लर्न करनी है, ये आपका होमवर्क है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।